हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल हर्षित यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं होता है तो ऐसे में आपके चैनल पर काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं। लाइक आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, आप किसी भी वीडियो पर थंबनेल नहीं लगा सकते। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कर लें। एंड ये तो एक कंपलसरी चीज़ है कि आपको YouTube चैनल वेरीफाई करना ही पड़ेगा अगर आप YouTube से कुछ करना चाहते हैं। YouTube अगर आप मजाक में नहीं कर रहे हैं तो इसमें चैनल वेरीफाई होना कंपलसरी है। तो कैसे चैनल वेरीफाई करते हैं आज के इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। पर उससे पहले अगर पहली बार आ रहे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर ये काम आप अपने फोन से करना चाहते हैं तो आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ऊपर 3 डॉट आएंगे, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट पर कर देना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर टिक बन जाएगा। अगर आप ये चीज़ अपने पीसी लैपटॉप में करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, आपका तो पहले से ही डेस्कटॉप साइट में होगा। उसके बाद यूट्यूब सर्च करना है आपको, youtube.com यूट्यूब ओपन हो जाएगा। और अपने YouTube चैनल से आपको साइन इन कर लेना है। अगर साइन इन करना नहीं आता है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मेरा वीडियो आपको नंबर फर्स्ट पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने चैनल वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद YouTube स्टूडियो का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ YouTube स्टूडियो खुलने के बाद। उसके बाद आपके सामने एक आइकन आएगा सेटिंग्स का, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा चैनल का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फीचर एलिजिबिलिटी का, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीचर डेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। अगर यहाँ पर एलिजिबल लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब है आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं है। अगर इनेबल्ड लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब है आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं है, ठीक है। एलिजिबल लिखकर आ रहा है तो मेरा वेरीफाई नहीं है, तो मेरे को वेरीफाई करना होगा। तो मैं करूँगा क्या, इस पर एक बार क्लिक करूँगा, ठीक। और ये जो एरो बन सा आ रहा है एरो साइज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई फ़ोन नंबर का, आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। ऑलराइट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो हो सकता है आप यूट्यूब में रीडायरेक्ट हो जाएं, तो आपको फिर से क्रोम पे कर देना है क्लिक, ठीक है। और जो लोग पीसी लैपटॉप में कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर सबसे पहले लिखा है सेलेक्ट योर कंट्री, तो यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना अपनी। उसके नीचे लिखा है हाउ शुड वी डिलीवर द वेरिफिकेशन कोड टू यू। अब आपको एक फ़ोन नंबर अपना डालना होगा जिसपे कि एक OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर जो OTP है वो आप मैसेज के द्वारा लेना चाहते हैं या कॉल के द्वारा लेना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ टेल मी द वेरिफिकेशन कोड, तो मैंने इस पर क्लिक किया। और उसके नीचे यहाँ पर आपके सामने ये देखिए व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, उसके नीचे यहाँ पर जो डब्बा लिखा है इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर OTP मांगेगा, वो आपको एंटर कर देना है, ओके डन कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी भी कुछ समझ में ना आया होगा, कोई भी डाउट हो मन में, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर से दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।